आज का ये मजेदार सा प्रश्न उन लोगों के लिए है जो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि आखिर मशीन क्या है, इसमें से जनरेटर मशीन है या मोटर है, हम किसको कहें या फिर दोनों को कहें। तो हम इस छोटे से वीडियो में बहुत अच्छे से समझने वाले हैं कि आखिर मशीन क्या होती है। बस इसकी नहीं, हम ट्रांसफार्मर की तक बात करें तब उसको भी आप समझ जाएंगे कि मशीन क्या है। सबसे पहले हम समझते हैं इसको एक डेफिनेशन के थ्रू कि आखिर मशीन क्या है। तो यहाँ पर इंग्लिश में है, मैं इसको हिंदी में बता देता हूँ। पहले इंग्लिश में सीखिए। An electrical machine is a device which converts mechanical energy into electrical energy and electrical energy into mechanical energy is called machine। मतलब इसका ये हुआ कि electrical machine एक ऐसी device है जिसको अगर हम mechanical energy दें तो हमें वो electrical energy देगा, और हम अगर उसी को electrical energy दें तो हमें फिर mechanical energy मिले, और अगर ये दोनों काम हो रहे हैं जिस भी device में तो वो machine है। अब चाहे वो motor हो या फिर generator हो। For example, देखिए कैसे, ये जनरेटर है तो मैंने अभी क्या कहा था, अगर हम किसी को मैकेनिकल एनर्जी दें तो फिर हम वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी देनी चाहिए। तो अगर हम इसको मान के चलते हैं कि ये जो उसकी शाफ्ट है, ये शाफ्ट है, तो यहाँ इसको हम घुमाएंगे यानी मैकेनिकल एनर्जी देंगे किसी पुल्ली के थ्रू, इंजन लगा के कुछ या पवन चक्की लगा के यहाँ पे हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे, तो फिर इस बॉक्स में से हमें क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगा। मतलब ये जनरेटर होगा और जनरेटर क्या दे रहा है, मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हम इसको मैकेनिकल एनर्जी देंगे और ये हमें फिर इलेक्ट्रिसिटी देगा जिससे हम अपना यूज करेंगे, कहीं पे भी पावर का उपयोग करेंगे। तो ये हो गया जनरेटर। अब देखिए मोटर क्या काम करेगा। मोटर ये काम करेगा कि हम इसको अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, अभी हमने उसको मैकेनिकल एनर्जी दिया था, अब हम इसको देंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। अब हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस बॉक्स में से देंगे, ये जो अपना इलेक्ट्रिकल का बॉक्स है इसमें उसमें से हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे, तो फिर इसमें से हमें मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी। ये मोटर है, देखिए कैसे हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी, तो यहाँ पर हम इस यहाँ पर पुल्ली लगा के इसको हम क्या कर सकते हैं, पट्टी चढ़ा के पुल्ली लगा के कुछ भी यूज कर सकते हैं, या फिर व्हील भी लगा सकते हैं, हम जो कुछ चलाना है उसको चला सकते हैं। तो इस तरीके से क्या होगा, हमने इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो इसने हमें मैकेनिकल एनर्जी दी, और पिछले ये स्लाइड थी इसको हमने मैकेनिकल एनर्जी दिया था तो इसने इलेक्ट्रिकल एनर्जी दिया। अब देखिए फाइनली हम बात क्या करते हैं, फिर से उसी डेफिनेशन पर जाते हैं। तो डेफिनेशन में उसने यही बोला कि इलेक्ट्रिकल मशीन वह डिवाइस है जिसको हम अगर मैकेनिकल एनर्जी दें तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे, और हम अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी दें तो हमें फिर वो मैकेनिकल एनर्जी दे। तो वापस से साइड में देखिए, हमने इसको क्या किया, मैकेनिकल एनर्जी दी तो इसने इलेक्ट्रिकल दिया, तो ये मशीन का पार्ट हुआ, ये मशीन हुई, और इसमें भी हमने इसको इलेक्ट्रिकल दिया और इसने हमें मैकेनिकल दिया, सॉरी इलेक्ट्रिकल हमने दिया इसने हमें मैकेनिकल दिया, तो अब ये भी मशीन हुई। मतलब इस जैपिनेस के अकॉर्डिंग दोनों ही मशीन है, मतलब जनरेटर और मोटर दोनों ही इलेक्ट्रिकल मशीन कहलाती हैं। अब ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल क्लियर हो गया, अब आप इसको शायद कभी नहीं भूलेंगे कि जनरेटर है मशीन या फिर मोटर है मशीन। उम्मीद है वीडियो छोटा मोटा पसंद जरूर आया होगा आपको। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसे वीडियो जरूर आपके लिए बनाऊं। मिलते हैं फिर कुछ ऐसी खास वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।